देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे द्विदलीय शासन व्यवस्था की और आज हम चर्चा करेंगे बहुदलीय शासन व्यवस्था की। बहुदलीय शासन व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसा देश जिसमें अनेक राजनीतिक दल हों, राजनीति में काफ़ी संख्या में राजनीतिक दलों द्वारा भाग लिया जाता है, उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। विशेषकर ये जो प्रणाली है यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देशों में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है और जिसमें विशेषकर फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें 17 से 20 तक राजनीतिक दल हो सकते हैं। बहुदलीय प्रणाली वाले ये ज़्यादातर संस्थात्मक शासन व्यवस्था पर, हमारे देश में ही बहुदलीय व्यवस्था है। आज हम चर्चा करेंगे बहुदलीय व्यवस्था के गुण यानी मेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम्स, जिसके अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं स्वतंत्रता। देखिए, बहुदलीय प्रणाली की द्विदलीय व्यवस्था में क्या है, मतदाताओं के सामने एक सीमित स्वतंत्रता होती है, या तो वो इस राजनीतिक दल को देगा या इसको। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में मतदाता या तो डेमोक्रेटिक पार्टी को मत करेगा या रिपब्लिक पार्टी करेगा। इंग्लैंड में या तो अनुदार दल करेगा या मजदूर दल करेगा। पर बहुदलीय व्यवस्था में मतदाताओं को बहुत अधिक स्वतंत्र होगा, अगर उनको किसी भी राजनीतिक दल को पसंद करता अपनी मन इच्छा से वो उसको वोट देता है। तो जितनी स्वतंत्रता बहुदलीय प्रणाली में होता है, जैसे हमारे देश के लोकतंत्रात्मक यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, साउथ के लोग तमिलनाडु का उदाहरण लेते हैं, वहाँ न बीजेपी को पसंद किया जाता है न कांग्रेस को, वहाँ अन्नाद्रमुक और द्रमुक को ही वोट दिया जाता है। बिहार की राजनीति में देख ली, या तो JDA को वोट दिया जाता है या राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस और बीजेपी वहाँ बहुत कम आता है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में हमेशा से कम्युनिस्ट रहा है या तृणमूल कांग्रेस का गठ रहा है। तो इसमें मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी स्वतंत्रता ये रहती है कि वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी दो, उनके सामने केवल दो ही च्वाइस नहीं होती, वो किसी भी राजनीतिक दल को, जो अन्य राजनीतिक दल हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी क्षेत्रीयवाद के आधार पर भी बहुत मान। इसके बाद में तानाशाही, देखिए जहाँ द्विदलीय शासन व्यवस्था है वहाँ जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल आ जाता है, जिसको सत्ता प्राप्त होती है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो सत्ता में होता है, और जो जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विरोध में। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को आवश्यकता से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो उसमें एक तानाशाही स्वेच्छाचारिता अधिनायक तंत्र वाली जो शासन व्यवस्थाओं के गुण आने लगते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा, क्योंकि तानाशाही लोकतंत्र का रूप नहीं है, ये राजतंत्र कुलीन तंत्र अधिनायक तंत्र। बहुदलीय व्यवस्था में कई बार किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो अनेक राजनीतिक दलों की मिले जुले राजनीतिक दलों की सरकार, जैसे हमारे यहाँ भी है, भारत देश में भी रही, मोरारजी देसाई की चाल, ये बात अलग है कि वो सरकारें ज़्यादा, परंतु उसके बावजूद भी जैसे वाजपेयी जी के टाइम में अनेक राजनीतिक दलों की सरकार थी, बड़ा सफल, मनमोहन सिंह जी भी अनेक राजनीतिक दलों की सरकार सफल रही, उसमें तानाशाही कोई एक राजनीतिक दल एक स्वेच्छाचारिता या तानाशाही का रूप ग्रहण नहीं कर सकता, तो इसमें तानाशाही नहीं हो सकती बहुदलीय शासन व्यवस्था। इसके बाद में है सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका होता है। द्विदलीय व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, उसके जो दो सदन हैं, जैसे अमेरिका में वहाँ की कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। इंग्लैंड की संसद में भी दो सदन है, कॉमन सभा। अब इसमें ज़्यादातर इंग्लैंड में अनुदार दल और मजदूर दल, कुछ मात्रा में उदार दल के सदस्य होते हैं। अमेरिका में दो ही राजनीतिक दल हैं, या तो डेमोक्रेटिक के सदस्य होंगे व्यवस्थापिका या रिपब्लिक पार्टी के सदस्य, जबकि बहुदलीय व्यवस्था में जैसे भारत की संसद और अमेरिका इंग्लैंड की व फ्रांस की संसद में अनेक विचारधाराओं से संबंधित, अनेक राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्ति व्यवस्थापिका में पहुँचते। और देखिए, जब अनेक राजनीतिक दलों द्वारा संबंधित व्यक्ति या राजनीतिक दल व्यवस्था में पहुँचते हैं, तो सभी व्यक्तियों के हितों की बात की जाती है, सभी व्यक्तियों के वर्गों की बात की जाएगी, उसमें किसी एक विचारधारा या दो विचारधाराओं नहीं, उनमें अनेक विचारधाराओं का आदान प्रदान और उनकी हित की बात की जाएगी जब संसद में। वहाँ अगर कानून सभी को हित को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो शासन व्यवस्था है, ये सभी विचार, बहुदलीय व्यवस्था सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद में है राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं होता। जिस प्रकार द्विदलीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, दो, जैसे अमेरिका या तो डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिक, दो विचारधारा, इंग्लैंड या तो अनुदार दलवादी विचारधारा या मजदूर दल की विचारधारा। बहुदलीय व्यवस्था में जब उस देश के में अनेक राजनीतिक दल हैं, तो केवल दो वर्गों में या दो विचारधाराओं में नहीं बनता है, क्योंकि उस देश में अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं, और जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बहुत कम खतरा प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र दो विचारधाराओं में नहीं बढ़ता है, और ये बहुदलीय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर, जहाँ तक
व्यक्तित्व की बात है। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का, हर व्यक्ति किसी भी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति हो उसको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अवसर देती है। द्विदलीय व्यवस्था में बहुत से व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं परंतु राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है, टिकट नहीं दे पाते, वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का उतना विकास नहीं कर पाता जितना वो आगे बढ़ना चाहता है, वो व्यवस्थापिका में या राज्यों की विधानसभा में जाना चाहता है। तो बहुदलीय व्यवस्था होगी तो अगर एक व्यक्ति में अच्छा अगर उसमें गुण हैं और जनता को हितों की बात करता है तो किसी विचारधारा को, अब आज हमारे देश में बहुजन समाजवादी पार्टी के भी लोग लोकसभा में, समाजवादी पार्टी के भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी आते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से भी आते हैं, तो इसमें हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था में। और इसमें सभी व्यक्तियों के हितों की बात की जाती है, क्यों कि अनेक विचारधाराएँ हैं, अनेक विचारधाराओं के लोग देश की संसद या राज्यों की विधानसभा में पहुँचते हैं, तो हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के हितों की बात की जाती है। जबकि द्विदलीय शासन व्यवस्था में केवल दो ही विचारधाराओं के सामने देश इर्द गिर्द कार्य होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था की अपेक्षा बहुदलीय व्यवस्था में, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दलों को अवसर प्राप्त होगा, तो हर व्यक्ति को जो भी आगे बढ़ना चाहता है, जो भी जनता के हितों की ध्यान रखते हुए राजनीति में आना चाहता है उसको अवसर प्राप्त होता है। द्विदलीय व्यवस्था में एक सीमित मात्रा में व्यक्तियों के सामने स्वतंत्रता होती है कि वो तो या तो इस दल को चुने या इस दल को चुने। तो हम कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था सभी विचारधाराओं, बहुदलीय व्यवस्था में सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है, राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बंटता है और व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर प्राप्त होता है, इसमें निरंकुशता की कोई संभावना नहीं होती और मतदाताओं के सामने बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है कि मतदाता जिस भी व्यक्ति को पसंद करता है वो अपनी स्वतंत्रता है, जिस भी राजनीतिक दल को पसंद करता है अपनी स्वतंत्रता के आधार पर वोट देता है। तो यानी बहुदलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से, विचारधाराओं के हिसाब से, एक तरह से स्वतंत्रता के आधार पर इसमें मतदाता को अधिक स्वतंत्रता होती है, उसके सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती कि केवल वो दो ही राजनीतिक दलों को चुने, वो जिसको पसंद कर सकता है उसको वोट दे सकता है। तो ये थी बहुदलीय व्यवस्था के आज मेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, और इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं को तानाशाह जैसी पर, मतदाताओं को स्वतंत्रता होती है, तानाशाह जैसी प्रवृत्तियों पर एक तरह से रोक होती है। और कल इसकी करेंगे दोस्तों।